हेलो दोस्तों। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में हम एक लॉरम इप्सम टेक्स्ट जो कि रेंडमली जनरेट होता है वो जनरेट करना सीखेंगे। बेसिकली लॉरम इप्सम टेक्स्ट एक मीनिंगलेस टेक्स्ट होता है, बट ये कभी कभी हमें बहुत यूज्ड होता है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना हो, कुछ हमें शो करना हो या कुछ मैनिपुलेशन करना हो, या तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कुछ भी, राइट, या फिर हमें वो पैराग्राफ जो है किसी और जगह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लॉरम इप्सम टेक्स्ट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में यूज करते हैं। इसको जनरेट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि होता है इक्वल टू देन लॉरम एंड ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, देन इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा लॉरम इप्सम पैराग्राफ वो जनरेट हो जाता है। इसको और भी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर से लिखते हैं इक्वल टू लॉरम देन ओपन ब्रेसेस, हमें कितना पैराग्राफ डालना है वो लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमें 3 पैराग्राफ डालना है, वो हमने आर्गुमेंट दे दिया, और कितने सेंटेंस का पैराग्राफ जो है होना चाहिए, तो मान लेते हैं हम एक पैराग्राफ के अंदर में 5 सेंटेंस हो, तो वो हमने दे दिया वो आर्गुमेंट, देन क्लोज ब्रेसेस एंड देन इंटर प्रेस करेंगे। फिर तो ये देखिए हमारा 3 पैराग्राफ जनरेट हुआ है, राइट, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, और तीनों पैराग्राफ के अंदर में हमारा 5 5 सेंटेंस जनरेट हुआ होगा। तो इस तरीके से आप जो है लॉरम इप्सम का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इक्वल टू लॉरम देन इसके अंदर आर्गुमेंट देते हैं, मान लेते हैं हम 2 पैराग्राफ देना है और सेंटेंस इसमें 4 होनी चाहिए, राइट, देन क्लोज ब्रेसेस एंड एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा जनरेट हो गया। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में पैराग्राफ लिखना हो या यूज करना हो उस टाइम पे। थैंक यू।